अर्ज किया है, खुदी को कर बुलंद इतना, वाह 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 वाह, खुदी को कर बुलंद इतना और चढ़ जा पेड़ पे जैसे तैसे। आह क्या कहा है, मगर ओ मेरे प्यारे स्टूपिड, ये बता कि अब उतरेगा कैसे। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखिए अब मेरी शायरी सुनकर ये भाई साहब कहाँ पहुँच गए। वाह वेरी गुड। दूसरे दोस्त ने कहा, भाई तू गिरा तो मैं भी गिर के दिखाऊं, एक बार फिर दिखाइयो। जब जब हमारे स्टूपिड एक्सपेरिमेंटर्स ने ऐसी उलझलूल हरकतें की हैं, तब तब साइंस मौसी ने अपने आप को साबित किया है। जैसे जैसे हम पेड़ पर चढ़ते हैं, हम तने पर बेंडिंग फोर्स लगाते हैं और जितना ऊपर हम जाते हैं, तना पतला होते रहता है और वो आसानी से बेंड हो जाता है। और जब वो तना अपनी हद से ज्यादा मुड़ जाता है तो टूट जाता है। क्या कहा, आपको भी पेड़ पर चढ़ना है? नो प्रॉब्लम जी, चढ़ो बिल्कुल। तो मेरी एक सलाह जरूर मान ले, ऊपर ना ज्यादा जोर ना डालें, वरना बड़े बड़ों को नीचे आते देर नहीं लगती। लो जी, चाचा बीवी से नाराज होकर पेड़ पे चढ़ गए, अब ऊपर जाके फंस गए। अब क्या करें, ना नीचे आ सकते हैं और ना ऊपर जा सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है। और चाची ने बाकी रिश्तेदारों को नीचे खड़ा कर खूब हंसी लगाई इन पर। लेकिन चाचा हिम्मत रखो, आप तो रखोगे लेकिन पेड़ हिम्मत नहीं रखेगा, आपको नीचे पटक देगा। ये पेड़ ने ही हार मान ली, चाचा घर को निकल लो। शुक्र मनाइए नीचे बर्फ थी, वरना वैसे यहाँ पर इनके गिरने की वजह एक और थी, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। क्लाइंबर एक बार ऊपर पहुँचता है तो साइंस मौसी अपना खतरनाक रूप दिखाती है। चाचा ने जहाँ पैर लगाया है वहाँ एक पिविट पॉइंट बनता है और फोर्स का टर्निंग इफेक्ट जो हमारे चाचा तने पर लगा रहे हैं, उससे तना टूटने के बाद भी वो गोल गोल घूमते रहे। अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ नहीं था, पेड़ों पे चढ़ने के शौकीन इससे भी खतरनाक सिचुएशन देखते हैं। अगर आप पेड़ पर 10 फुट से 40 फुट तक चढ़ जाते हैं तो आपके वहाँ से गिरने की स्पीड डबल हो जाएगी और इम्पैक्ट फोर्स डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। अच्छी बात ये है कि पेड़ पर चढ़ने की ऐसी मस्ती इन्हें इसी मौसम में सूझ रही है, वरना गिरने के बाद ऐसे हंसी के फुहारे नहीं आते। ये लीजिए, इस झूले लाल के इरादे कुछ और है, एक पेड़ से गिरा दूसरे में अटका। अब ये खजूर यहाँ खड़ा होकर क्या प्लान बना रही है? अबे बंदा कूद कर पेड़ के ऊपर लैंड करना चाहता है। अरे पेड़ पर नीचे से ऊपर चढ़ा जाता है, ऊपर से नीचे आओगे तो ग्रेविटी माता ऐसे ही खींचेगी। फुटबॉल में गोल करने के बाद अक्सर खिलाड़ी अपनी टीममेट्स के साथ जश्न मनाते हैं और करते हैं कुछ ऐसा जेस्चर जिससे झलकता है उनकी खुशी का जोश। क्या बात है, पूरी कोशिश। ये चेस्ट बम, ओके अपनी चेस्ट बम तो ठीक है लेकिन जमीन पे क्यों गिर गए? क्योंकि तुम्हें साइंस नहीं आता। हाँ वेरी गुड, पूरी कोशिश। अल्लाह, तेरी बीवी थी ना, वो गर्लफ्रेंड थी या पड़ोसन की थी? और गेम मस्ती करने निकले, ये देखा चकमा, इसने दिया चकमा और भाई साहब नीचे। ये चेस्ट पंप नहीं, ये दोस्त डंप था। देख लीजिए कैसे किया जाता है परफेक्ट चेस्ट बम्प सेलिब्रेशन। सबसे पहले तो एक बैलेंस बम्प के लिए बम्पर्स यानी दो बंदों का एक साइज और मास का होना जरूरी है। रनअप से मोमेंटम बिल्डअप होता है, बॉडी के एक हार्ड पार्ट से टकराते हैं तो दोनों एक दूसरे पर अच्छा खासा फोर्स लगाते हैं क्योंकि उनका मोमेंटम ट्रांसफर होता है। तो एक परफेक्ट चेस्ट बम्प के लिए तीन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना कंपलसरी है। सबसे पहले तो है मास। अरे यहाँ पर लड़के के मुकाबले लड़की का वजन बहुत कम था। अरे मामू, हल्की सी जान को ज्यादा फोर्स लगेगा, अरे तो वो दूर जाकर ही गिरेगी ना। क्या बोल रहे भाई, मैं बिल्कुल समझ गया, लड़की के साथ चेस्ट बम्प नहीं करने का। अरे और हल्की नहीं, मैं तो कहता हूँ भारी लड़की के साथ भी चेस्ट बम्प नहीं करने का, वरना तेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा रे। दूसरा फैक्टर है स्पीड। अगर एक बंदे की फॉरवर्ड वेलोसिटी कम होगी तो ये हाल होगा, बीच गेम में खुशी का इजहार करना मैनेजर को महंगा पड़ गया। तो देखिए, मास बराबर होना चाहिए, स्पीड मेंटेन होनी चाहिए और साथ ही जरूरी है बॉडीज का अलाइन होना, वरना क्या होगा,
कुछ नहीं, दांत टूटने के पूरे चांसेस है, क्योंकि अलाइनमेंट के बाहर फोर्स लगाएंगे तो सेंटर ऑफ मास से आपका रोटेशन होगा। बहुत अच्छे से दोस्तों। अरे धक धक करने लगा हैला, और मेरा दोस्त नीचे गिर गया। ये लीजिए आ गई मैडम, और साथ में ये भाई साहब। अरे तुम्हारी छाती है 46। मैडम बेचारी हल्की फुल्की। अबे कर क्या रहे हो तुम?